हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का दिन है। हम सभी आज 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस के बारे में संक्षिप्त लेख इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस लेख के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसे लेकर भाषण आदि में प्रयोग किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। आज बहुत हर्ष का विषय है, जो हम सभी 73वें गणतंत्र दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में तैयार किया गया संविधान भारत में लागू हुआ था, जिसे संविधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। आज का ये महान दिन हम भारतवासियों को इतनी आसानी से देखने को नहीं मिला। इसके पीछे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा किए गए त्याग का एक लंबा इतिहास है। इस लंबे इतिहास पर यदि नज़र डालें तो पता चलता है कि एक समय था जब अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए और उनके द्वारा सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। सन 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय शक्ति के अभाव में भारत का आंतरिक शासन कमजोर हो गया और अंग्रेज व्यापारियों ने मौके का लाभ उठाकर अन्य कंपनियों, डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी कंपनियों से संघर्ष किया और विजय प्राप्त की और भारत में एकमात्र शासक बन गए। इसी के साथ उन्होंने भारतवासियों का शोषण करना शुरू कर दिया। इस शोषण के विरोध में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ, परंतु इसमें अधिकांश नरेशों और नवाबों ने भाग नहीं लिया और ये आंदोलन सफल नहीं हो सका। परंतु इस क्रांति के वीर नायक मंगल पांडे सहित अन्य शहीदों का बलिदान सदैव याद किया जाएगा। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में महिला वीरांगनाओं ने भी अपनी जान की बाजी लगाई, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जिन्होंने 18 जून 1858 को ग्वालियर के समीप कोटा की सराय में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इसी के आगे यदि हम देखें तो सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। कांग्रेस से बाहर रहकर भी सावरकर बंधु, चापेकर बंधु, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह जैसे सैकड़ों क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1885 से 1905 के बीच सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में सन 1906 से 1918 के बीच लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे उग्रवादी विचारधारा के समर्थकों के नेतृत्व में तथा सन 1919 से 1942 के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी के इतिहास में आज़ादी प्राप्त करने के सैकड़ों उदाहरण हैं, जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। इसी में एक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर में एक विशाल सभा में सैकड़ों निरपराध लोगों की हत्या की थी। 10 मिनट तक 303 बोर की 1650 गोलियां चलवाकर 379 लोगों को मार दिया गया और इसमें 1137 लोग घायल हुए। दिनांक 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुई चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूर्व होने पर हम शताब्दी महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में स्वयंसेवकों का एक जुलूस निकला था, जिसे अवैध घोषित कर दिया गया और जुलूस को निकालने को लेकर पुलिस और स्वयंसेवकों में झड़प हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से 11 सत्याग्रही मौके पर ही शहीद हो गए और कई घायल हुए। इसी के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस हिंसा से आहत महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसी प्रकार एक अन्य महत्वपूर्ण घटना उल्लेखनीय है, जब 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में 10 लोग रामप्रसाद बिस्मिल के साथ साथ अशफाक उल्ला खां, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्रनाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, चंद्रशेखर आजाद, मनमतनाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल सवार हुए और काकोरी में सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिराकर चांदी के सिक्के और नोटों से भरे बैग को लूट लिया। ब्रिटिश सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया
और बाद में इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां व रोशन सिंह को फांसी हुई। इस प्रकार क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमें आज़ादी दिलवाई। आज़ादी के महत्व को तुलसीदास जी ने भी स्वीकारा और कहा, पराधीन सपने हो सुख नाही, अर्थात पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है और न कभी अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकता है। सुख पराधीन और परावलंबी लोगों के लिए नहीं बना है। पराधीनता एक प्रकार का अभिशाप है और मनुष्य तो दूर, पशु पक्षी भी पराधीनता में छटपटाने लगते हैं। आज हम स्वतंत्र हैं तो हमें स्वतंत्रता का महत्व समझना होगा। भारत की स्वतंत्रता कायम रहे इसके लिए हर भारतवासी का कर्तव्य है कि भारत के संविधान की भावना के अनुरूप भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखा जाए और एक दूसरे के धर्म का आदर किया जाए। तुलसीदास जी ने कहा भी है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर झुक पानी, अर्थात संसार में सभी प्राणियों में मैं उस परमात्मा के दर्शन करता हूँ और संपूर्ण सृष्टि को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। प्रसिद्ध शायर इकबाल ने भी कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यदि देखा जाए तो धर्म का वास्तविक अर्थ सत्य होता है। गीता में प्रमुख रूप से राष्ट्र धर्म की शिक्षा दी गई है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए जिससे वह राष्ट्र का सुयोग्य नागरिक बन सके। राष्ट्र धर्म के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में राष्ट्रवादिता, पराक्रमशीलता, पारदर्शिता, दूरदर्शिता, मानवतावाद, अध्यात्मवाद, विनयशीलता जैसे गुण हों। भारत के संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में दिए गए मूल कर्तव्यों में पहला कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बात राष्ट्रध्वज की आई है तो ये जानना आवश्यक है कि तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। तिरंगे झंडे की अभिकल्पना आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया जी की है। राष्ट्रध्वज का केसरिया रंग देश की ताकत और साहस, श्वेत रंग शांति और सत्य का, और हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ध्वज के मध्य चक्र निरंतर प्रगतिशीलता का प्रतीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये महोत्सव उन लोगों के बलिदान को पहचानने के लिए मनाया जा रहा है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई ली। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को सामने लाने के लिए देश के सभी नागरिकों को इस महोत्सव का हिस्सा बनना है। आज के इस अवसर पर हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी सोचना होगा। जिस पर्यावरण से हमारा जीवन संभव हुआ है उसे प्रदूषित होने से बचाना है। फिर वह प्रदूषण चाहे जल का हो या वायु का, मृदा का हो या ध्वनि का। इसी के साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और बढ़ती आबादी के कारण इन संसाधनों का असीमित और तेजी से दोहन हो रहा है। अतः बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित कर लोगों के जीवन को बेहतर सुनिश्चित किया जाना है। इस अवसर पर 17 सतत विकास लक्ष्यों पर एक नज़र डालना प्रासंगिक होगा। सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक शिखर बैठक हुई। इस शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना के निर्माण के उद्देश्य से 17 सतत विकास लक्ष्यों, गरीबी का अंत, भुखमरी समाप्त करना, स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध जल और स्वच्छता, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता में कमी, संधारणीय शहर और समुदाय, सतत उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान, लक्ष्य के प्रति भागीदारियों को अनुमोदित किया है। सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित नीतियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को यदि 2030 तक प्राप्त कर लेते हैं तो भारत को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अंत में इस अवसर पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर रखें, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें व राष्ट्र की सेवा करें, सभी लोगों में भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, अपनी संस्कृति के महत्व को समझें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें तथा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
जय हिंद, जय भारत।